आसमान का कलर देखो। गूगल पे भरोसा मत करना, इधर से परमिशन लेना है, कुछ बोल रहे हैं नहीं लेना है, बंगस जाना महंगा ना पड़ जाए। देखो 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 रास्ता खराब है सर, थोड़ा आप चेंज कर लो, इधर से परेशान हो जाओ। अनडाउटेडली ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कश्मीर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू मोटर स्प्रेड्स। थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा, आज हम जा रहे हैं बंगस वैली। यहाँ से 100 किलोमीटर्स दिखा रहा है अभी। तो गाइज इस व्लॉग में मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, जहाँ पे भी कोई खास रोड हो या वैसा कुछ जहाँ पे मुझे लगे आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से व्लॉग बनेगा। सुबह के 9:15 हो रहे हैं और जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उसको बोलते हैं सुमल का साइड। अगर आपको गांधरबल से आना है तो आपके लिए ये वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर श्रीनगर से तो डायरेक्ट हाईवे ठीक है। गांधरबल से मेरा मतलब है अगर आप सोनमर्ग पहले जा रहे हो उसके बाद आपका प्लान बंगस जाने का है तो आपके लिए यही वाला रास्ता बेहतर रहेगा। ये वाला नाइतखाई लिंक रोड है जो कि आपको सीधे ही हाईवे के साथ कनेक्ट करेगा। श्रीनगर बारामूला हाईवे की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको इसका माइलेज चेक करा देता हूँ, अभी तो हाईवे भी नहीं आया। देखिए अभी का एवरेज 33 दिखा रहा है, बताओ यार इससे ज़्यादा क्या ही माइलेज देगी। देख लो गाइज, तो इसी के साथ यहाँ पे हम आ गए हैं मेन हाईवे पे। अभी हमारा ट्रिप है 70 किलोमीटर्स, हमने आई थिंक 30 से स्टार्ट किया था। ये आ गई हाईवे, हाईवे पे कुछ किलोमीटर्स की राइड के बाद आपको फिर से राइट ले लेना है हाईवे पे, इसको बोलते हैं संग्रामा चौक। दिखने में तो फ्लैट लग रहा है ना, लेकिन थोड़ी सी एलिवेशन है। बाइक के खिंचाव से पता चल रहा है कि अभी हिल स्टार्ट हो रहा है। वेलकम टू कुपवारा, और देखो गाइस यहाँ पे बोर्ड वेलकम टू कुपवारा लिखा हुआ है। अभी फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले लिया है, मतलब लेफ्ट वाले रोड को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ से हम हंदवारा पहुँचेंगे और सामने बोर्ड लगा हुआ है हंदवारा 3 किलोमीटर, बंगस का कुछ लिखा नहीं है। यहाँ से देखो गाइस अब जंगल आने लगे, क्या रास्ता है ब्यूटीफुल। और साथ ही आपको दिखाता हूँ यहाँ पे माइलेज, देखो कहाँ पे 35 दिखा रहा है इस वक्त। अब बताओ मेरे को गाइस, यजदी एडवेंचर इतनी पावरफुल बाइक 35 दे रही है, मतलब क्या चाहते हो इससे ज़्यादा। और यहाँ पे शायद परमिशन लेनी पड़ेगी आई थिंक। हेलो सर, हाँ जी बंगस हाँ जी। रास्ता खराब है सर, थोड़ा आप चेंज कर लो, इधर से परेशान हो जाओगे। साइडिंग हो रखी है बाइक आपके पास, तो ये यहाँ से जाओगे ना तो नो गांव वाला रास्ता पकड़ लो आप। अच्छा, हंदवाड़ा से डायरेक्ट ऐसे पक्का रोड है वो ले लो। सर कितना दूर है वहाँ से? पड़ जाएगा सर 5-6 किलोमीटर आपको फिर पड़ जाएगा। अच्छा, ये इधर स्लाइडिंग हो रखा, परेशान हो जाओगे। जाने दीजिए सर, ऑफ रोडर है वैसे भी, मैं जाने दूंगा, आगे भी है वो नहीं जाने देंगे। अच्छा, क्योंकि हमें रात को रोज नहीं मानते, रात को जाते हैं बाइक वाले, उनको फिर हम पकड़ के लेके आना पड़ता है। अच्छा, जाओगे गिर जाओगे फिर क्या फायदा है। अच्छा, स्लाइडिंग है सर, ये पूरा रोड है, सही पक्का रोड है। अच्छा, कितना हमें वापस जाना है सर? देख लो अब कम से कम पड़ जाएगा सर आपको
नौगांव वाला 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर वापस जाना है। एक बार इससे कंफर्म कर लेना, जो सीले ना नहीं आता उससे पूछ लेना और कुछ डायरेक्ट रास्ता बता दे आपको, कच्चा बाइक पे निकल जाएगी कहीं से। अच्छा अच्छा पक्का कर लेना, ठीक है ठीक है। पक्के रोड की जरूरत नहीं, आप बाइक का रास्ता क्लियर कर लेना किसी दुकान वाले से यहाँ नीचे। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। अब गाइस कहाँ से ही दूसरा रास्ता हम पकड़ेंगे। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, मैंने यहाँ पे लोकल से भी बात की, पता नहीं किस रीज़न की वजह से आर्मी नहीं जाने दे रही है वहाँ पे। लेट्स सी और कोई रास्ता अगर मिले तो, एज आर्मी ने बोल दिया वहाँ नीचे से। अब उन्होंने सेफ्टी इशू बोल दिया, लाइक वहाँ से अगर आप गिर सकते हो वगैरह। यार अब सेफ्टी से बढ़कर तो कुछ है नहीं। चलो देखते हैं, अब वापस पहले हंदवाड़ा जाना पड़ेगा। हम आ गए हैं, खुद ही ट्रिप देखो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें हो रहा है। यहाँ पे हंदवाड़ा पहुँच गए, अब कहीं से मावर वैली से जाना पड़ेगा। सो गाइज आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी ताकि आपको भी बंगस जाना महंगा ना पड़ जाए, आप भी ये गलती ना करो। गूगल पे भरोसा मत करना, वो लिंक रूट है, वहाँ से नहीं जाने देती आर्मी। लोकल से किसी से भी रास्ता पूछ रहा हूँ तो यही वाला रास्ता दिखा रहा है। हमने गूगल बाबा पे भरोसा किया, वो बहुत महंगा पड़ गया। अब मावर वैली ढूंढना पड़ेगा कहाँ से जाते हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं उधर से परमिशन लेना है, कुछ बोल रहे हैं नहीं लेना है, अब देखते हैं। बंगस वैली, बंगस बंगस बंगस। चलो शुक्रिया, बस शुक्रिया 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 जनाब शुक्रिया, बस हज मेहरबानी मेहरबानी। हाँ बंगस हज गसन अस रोजान गांधरबल। अहन अच्छा अच्छा ठीक, बस हज शुक्रिया, बस मेहरबानी, बस मेहर बस हज शुक्रिया मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू। यार यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पिंग है, इवन देखो ये पुलिसमैन भी कश्मीरी है, खाने के लिए पूछ रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, जिससे भी एड्रेस पूछा वो वहाँ से खाने के लिए पूछ रहा है। यहाँ से मत है बंगस वैली, बंगस सामने मिल गया, ये है। Lose yourself in the meadows of Bangas and find peace. Way to Bangas, oh my god, still 46 kilometers yaar, seedha hi 200 kilometer hame aa raha hai, jabki 100 aana chahiye tha. To ye galti mat karna friends, yahan se road bhi bahut hi mast hai, wahan se khadde kuch zyada hi the. ये वाला रोड ना, मतलब वो सस्पेंशन ट्रैवल इतना कर रहा है ना इन रोड्स पे, बहुत मजा आ रहा है। कंटिन्यूअसली ऐसे 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 हो रहा है, देखो देखो, ओरे भाई साहब, देखो 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 बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बहुत मजा आ रहा है। और ठंड पड़ने लगी है फ्रेंड्स, मेरे को टांगों में ठंड लग रही है, फीलिंग्स बदल गए, जज्बात बदल गए मौसम के। इतना गर्म था अभी 10 मिनट पहले, अब एकदम से यार इतनी ठंड पड़ गई है। देखो यहाँ पे आसपास से घर है, लोग रह रहे हैं,
मेरे को बताओ कौन कौन चाहता है ऐसी जगह पे रहना है। यहाँ पे छोड़ो, ये तो हट्स थे, पीछे घर भी थे और सामने भी है, मतलब ऐसी लोकेशन पे कौन नहीं रहना चाहेगा भाई साहब। फोन का सिग्नल भी नहीं है, देखो इस जगह पे घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, सिग्नल्स है ही नहीं, कितने मजे से सुकून से जी रहे हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, बैठो आराम से, कमाओ और खाओ और सो जाओ, मस्त। जी सर, जी सर, ऑन है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एक गुड न्यूज है, एक और बैड न्यूज है। पहले कौन सी बोलूं, बैड न्यूज ये है कि बारिश शुरू हो गई है और हमारे पास रेनकोट्स नहीं है, और गुड न्यूज ये है कि वहां पे एंट्री हो गई है, आई डोंट थिंक परमिशन की जरूरत पड़ेगी। बस इधर ही रह लूं इस हवा में, क्या लुक है। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा व्यू एंजॉय करो, देखो साइड से कैसी लगती है ये जगह। इतनी हाइट पे हम आ गए, यहाँ से देख लो थोड़ा सा कहाँ से रोड होकर आ रहा है, ओह दैट्स ब्यूटीफुल। और अभी और ही ऊपर जा रहे हैं हम, यहाँ से पूरा ही सुनसान जंगल है, यूं समझ लो आपकी ड्रीम राइड हो सकती है ये अगर आप यहाँ आएंगे एक बार। गाइस स्काई का कलर देखो यहाँ पे, वाह यार स्काई सीधी, आसमान का कलर देखो, देखो यार ये रोड कैसा है। अभी सेकंड गियर नहीं मानेगी, अभी सेकंड गियर नहीं मानेगी, तो देखते कहाँ तक जा पाएगी। बस अब फर्स्ट, देखो यार ये है यहाँ की, सो ऑफ रोडिंग वाले आप लोग भी आ सकते हो। धुआं कहाँ से आ रहा है, अच्छा वो गाड़ी, आई थिंक गाइज पहुंच गए शायद, हाँ बिल्कुल। अरे यार कितना खूबसूरत है, इधर ये ठहरी हमारी बाइक, यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है नो व्हीकल्स बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो हम भी जाएंगे नहीं इससे आगे, क्या मजबूरी है क्योंकि वैली तो यहाँ पे है ना। वाह यार इतना ब्यूटीफुल कश्मीर में कुछ भी नहीं, मतलब सीधे ही लिख के ले लो कुछ भी नहीं, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ये जगह है। और वहाँ से देखो कितनी ग्रेजिंग चल रही है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी बंगस वैली, मतलब डेफिनेटली विज़िट करो, चाहे आप किसी भी मिजाज के इंसान हो, बाइकर हो, ट्रैकर हो, जो भी हो यार, बस इधर आ जाओ, मतलब अनडाउटेडली ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कश्मीर है। अभी तो यहाँ पे मौसम करवट बदल रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, नेक्स्ट टाइम मैं पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आऊँगा, दो दिन के लिए टेंट लेके, सो वो बेहतर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग देखो यार ये कहाँ से है, पूरे दो दिन लग जाएंगे इसको घूमने में। गाइस गूगल मैप्स की वजह से आज हमारे पूरे 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गए हैं, ओ
और उसको छोड़ो यार 50 किलोमीटर को, इतना टाइम वेस्ट हुआ है ना, नियरली 2 घंटे वेस्ट हुए हैं हमारे ट्रैवलिंग के। सो कितना एंजॉय करते हैं हम यहाँ पे और 2 घंटे रुक के। सो गाइज आपके साथ भी ऐसा ना हो, उसलिए आप गूगल मैप्स पे रिलाई नहीं करें इतना ज़्यादा, वो भी जब आप इस टाइप की ऑफ बीट प्लेसेस पे आया करें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।